إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. हर किस्म की बड़ाई किबरियाई और हमदो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात माल की अर्ज़ो समा के लिए लायक व ज़ेबा है जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको पैदा फरमाया और बेशबहा अनगिनत नेमतों से नवाजा। बादहु सलातो सलाम व तमाम अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातो तस्लीम पर सैयदना आदम अलैहिस्सलातो सलाम से लेकर मेरे और आपके आखिरी नबी आकाए नामदार ताजदार मदनी साकी कौथर शाफ़े महशर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात का रहमतुल आलमीन बनाकर महबूद फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैह। काबिले एहतराम बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों और मोहतरम ख़वातीन इस्लाम इस मुख्तसर से हमदो सलात के बाद अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से मसनून खुतबे के बाद कुरान मजीद की सूरह यासीन की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाएं कि हम जो बातें कहेंगे उसको सुनने की और कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हम सभी लोगों को अल्लाह ताला जुमा का मुकम्मल सवाब नसीब फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। हक और बातिल के दरमियान जो कश्मकश है उसका सिलसिला जारी है और न जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इस्लाम पर एतराज़ात हो, कुरान करीम की तालीमात पर एतराज़ात हो या तौहीन रिसालत जैसा संगीन जुर्म हो, ये सब उसी कश्मकश के ये मज़ाहिर हैं जो आए दिन हमें और आपको रोज़ाना हमें नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ पिछले दिनों से बल्कि कई सालों से आप कह लें ये मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। कहीं कुरान करीम को जलाने का वाकया, कहीं इस्लामी तालीमात पर एतराज़ात का वाकया और उससे बढ़ कर के दुनिया की बेदाग शख्सियत को दागदार करने की नापाक कोशिश यानी मेरे आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मजरूह करने की नापाक कोशिश भी की जा रही है। और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती का जो जहर है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और हम और आप इसको अच्छी तरीके से महसूस भी कर रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई मुसलमान सही मानों में मुसलमान बन करके अगर जीना चाहे टोपी के साथ या दाढ़ी के साथ,
अगर एक सही मानों में मुसलमान बन करके अगर कोई ज़िंदगी गुजारना चाहे, और कई ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो सही मुसलमान हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। कारोबार का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, तिजारत का मामला हो, या नौकरी और चाकरी और मुलाजमत की बात हो, हर जगह ये चीज़ें इतनी परेशानी का ज़रिया और सबब बन रही हैं वो हम और आप अच्छी तरीके से महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे मुल्क में एक इंतहाई रजील शख्स ने और घटिया शख्स ने बल्कि मलऊन शख्स ने मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश की और ऐसे नाज़ेबा कलिमात कहे, अल्लाह की कसम है मिंबर रसूल से उसको दोहराना भी हम गुस्ताखी समझते हैं। उसने ऐसी बातें कही हैं और उसकी बातें सुन करके हम इस हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहां भी रहने वाले बसने वाले मुसलमान हैं उनको दिली तकलीफ पहुंची है, हमारी दिल आज़ारी हुई है, हमारे दिल को ठेस पहुंची है। बस यही अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ऐसे मलून शख्स पर अजाब शदीद नाजिल फरमा और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व ताला इसको बुरी मौत अल्लाह तो नसीब फरमा और हम सारे मुसलमानों को जज्बातियात में आने के बजाय, जज्बाती रुख अपनाने के बजाय इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमा। मैं आज के खुतबे जुमा में इसी हवाले से कुछ गुजारिशात हैं, कुछ हमारी अपनी बातें हैं कुरान और हदीस की रोशनी में रख करके और कुछ इस ज़िमन में मेरी आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं वो बता करके इंशाल्लाह अपनी बात ख़त्म करूँगा। सबसे पहली बात याद रखें, मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी नबूवत और रिसालत पर यह हर एक इंसान के लिए ईमान लाना ज़रूरी है और ईमान लाना ही नहीं सुबहानअल्लाह बल्कि आपसे मोहब्बत, आपसे उल्फत, आपसे वालिहाना लगाओ और आपकी इज्जत, आपका अदब और आपका एहतराम करना और आपकी इज्जत और आपकी तौकीर बल्कि आपकी नुसरत और आपकी मदद करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है मेरे भाइयों, ये ईमान का लाजमी हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए सबसे कीमती अगर कोई सरमाया है, कीमती असासा है, वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की इज्जत है, वो आप अलैहिस्सलाम की हुरमत है, वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और लगाव है मेरे भाइयों। यही वजह है कि एक मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपने औलाद, यहाँ तक कि सारी चीज़ों को कुर्बान कर देने के बावजूद भी एक मुसलमान यही समझता है हमने अपने नबी का कमा हक वो हक अदा नहीं किया। जैसे हक अदा करना चाहिए हमारे आप पर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, अल्लाह की कसम है एक मुसलमान सारी चीज़ों को कुर्बान करने के बावजूद भी ज़ुबान हाल से यही कहता है मैं अपने नबी का हक अदा नहीं कर पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखो इन बातों को जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं इंशाअल्लाह तबारक व ताला। एक तमहीदी बात ये भी जहन में रखें कि एक मुसलमान सब कुछ सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तौहीन रिसालत जैसा संगीन जुर्म अल्लाह की कसम है ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक अदना सी गुस्ताखी भी अगर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आ जाए वो हमें बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है अहदीस की अगर हम बात करें, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहदीस हैं, आपने क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वलदिहि व वालिदिहि वन्नास अजमईन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में कोई आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक उसकी नजरों में मैं यानी मोहम्मद अरबी उसकी औलाद से ज्यादा, पहले औलाद का नाम लिया गया है, उसकी औलाद से ज्यादा, वालिदैन से
ज्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहम्मद अरबी महबूब ना बन जाए, तब तक कोई आदमी कामिल मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, असल में इस्लाम का जो फैलाव है, इस्लाम की मकबूलियत है, इस्लाम की तरक्की है, इसको देख करके यहूद और नसारा जल रहे हैं, मुशरिकीन जल रहे हैं, अल्लाह की कसम है। और इनका हसद और इनका जलन यह खुल करके सामने आ रहा है। यही वजह है वक्तन फवक्तन ये मेरे आपके नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत को और आपकी जाते ग्रामी को निशाना बना करके मेरे आपके मोहब्बत रसूल का इम्तिहान ले रहे हैं। याद रखो इन बातों को कि एक मुसलमान अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है, कैसा वालिहाना लगाव है, कैसा प्यार और कैसी उल्फत है। ये कुफार आए दिन वक्तन फवक्तन आप अलैहिस्सलाम की जाते ग्रामी को निशाना बना करके हमारे इम्तिहान का जायजा ले रहे हैं। अरे इन नादानों को यह खबर नहीं है, हम उन सहाबे कराम की औलाद हैं, हम उनके वारिसीन हैं, सुभान अल्लाह, हम उनकी रूहानी औलाद हैं। कौन सहाबे कराम? अल्लाह की कसम है, सुभान अल्लाह, ये मौका नहीं है कि मैं उन बातों को पेश करूं। कौन सहाबे कराम जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना तन मन धन, अपने जान की बाजी लगा दी थी, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और एक किसी शख्स ने पूछा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान, सारा असासा, सारा सरमाए लेकर के आ गए, किसी ने पूछा, अबू बकर आप घर का सारा सामान अल्लाह की राह में लेकर के आ गए हो, घर में क्या छोड़ करके आए हो? बोले, जानते हो मैं घर में अल्लाह की बरकत और नबी की दुआ छोड़ करके आया हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर ने कहा, शायर कहता है, परवाने को चिराग है और बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। हम उन्हीं सहाबे कराम के वारिसीन हैं, हम उन्हीं के रूहानी औलाद हैं, सुभान अल्लाह। मैं मिसालें देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, इस तरह तारीख इस्लाम में सुभान अल्लाह सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उल्फत में सब कुछ कुर्बान कर दिया था और अपने जीते जी अपने नबी की जात पर, अपने रसूल गिरामी की जात पर आँच न आने दिया, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला उन सहाबे कराम से राजी हो जाए और अल्लाह तबारक व ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए। ये पहली बात है जिनका बतलाना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, आइए कुरान करीम की आयते करीमा देखते हैं। और मोहतरम भाइयों, मैं आखिर में कुछ जिम्मेदारी बता करके इंशाल्लाह खुतबे जुमा को मुकम्मल करूंगा। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व ताला के कलाम की आयात देखो, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना कफ़ईना कल मुस्तहज़ईन। बड़ी खूबसूरत आयते करीमा है, अल्लाह की कसम है। और पूरी दुनिया वालों के लिए इस आयते करीमा में इतना बड़ा दर्स है और इतना बड़ा पैगाम है। अल्लाह ने क्या फरमाया, कहा, ऐ मेरे हबीब, अल्लाह का एक अंदाज देखो बात करने का, कुरान करीम का एक अंदाज देखो, अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, बेशक हम आपके दुश्मनों से बल्कि रसूल गिरामी के जालिमों से इंतकाम के लिए अल्लाह ने कहा खुद काफी है, सुभान अल्लाह। इन्ना कफ़ईना कल मुस्तहज़ईन, ये आयत करीमा इतनी बड़ी बात है और इतना बड़ा पैगाम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रसूल अरबी अलैहिस्सलाम, आपके दुश्मनों से हम बदला लेने के लिए काफी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने नबी की हिफाजत का, अपने नबी की तालीमात का, अपने नबी की हदीसों का, अपने नबी के दीन का हिफाजत का अल्लाह ने वादा लिया, सुभान अल्लाह। यह सबसे बड़ी बात है जो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बयान किया। यही वजह है मैं मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह। दुनिया का कोई जालिम यह ना समझे कि वो अल्लाह तबारक व ताला की गिरफ्त से, अल्लाह की वो पकड़ से वो आजाद है। ना 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 ना, एक वक्त आएगा जब अल्लाह की गिरफ्त आएगी, अल्लाह की पकड़ आएगी और जितने गुस्ताखाने रसूल हैं ये मारे गए हैं। जिस शख्स ने हमारे
मुल्क में बैठ करके हमारे नबी मोहम्मद अरबी की हर्जा सराई की है और आपकी शान में बेअदबी की है। अल्लाह की कसम है मरने से पहले इसका भी यही हाल होगा इंशाल्लाह। बोलो, मैं मिसालें दूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। मैं कुछ मिसालें देना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्ताखाने रसूल से खुद अल्लाह ने दुनिया में इंतकाम लिया है और इन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बुरी मौत से दो चार किया। एक और आयत करीमा देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين। अल्लाह ने कहा وكفى بربك هاديا ونصيرا। अल्लाह ने फरमाया हमने दुनिया में जितने नबी और रसूल भेजे हैं सारे नबियों के दुश्मन रहे हैं, सारे नबियों के दुश्मन रहे हैं जिन्होंने नबियों से दुश्मनी की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पर हमने अपने नबियों की और हमने अपने रसूलों की हिफाजत की है। कैसे? आइए दो मिसालें दूंगा इंशाल्लाह, बात बड़ी जल्दी में करूंगा और वक्त पर अपनी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। तारीख गवाह है मैं सारी मिसालें दे नहीं सकता हूं। दो मिसालें बतौर इबरत के लिए और बतौर नसीहत के लिए और इन जैसे जालिमों के लिए यह पैगाम सुनकर के जाइए मेरे भाइयों। दुनिया की तारीख इस बात पर गवाह है मेरे भाइयों कि जिन जिन लोगों ने जब कभी भी किसी भी मौके पर प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, खास तौर पर मैं अपने आखिरी नबी की बात कर रहा हूं सल्लल्लाहु, जो हमारे आखिरी नबी, पूरी दुनिया के आखिरी नबी है सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम की शान में जिन्होंने गुस्ताखी की है, आप अलैहिस्सलाम की तौहीन का जिन्होंने संगीन जुर्म किया है, उनका अंजाम क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने जिंदगी में अपनी आंखों से देखा, बुरी मौत मारे गए अल्लाह की कसम है। एक सही मुस्लिम की रिवायत देखते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि ईसाइयों गौर से इन बातों को सुनकर के लेकर के जाइए और आखिर में पैगाम लेकर के जाइए, बात मैं अपनी खत्म करूं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक ईसाई शख्स ने इस्लाम कबूल किया, गौर से इन बातों को सुनना, इस्लाम कबूल किया, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान उसने पढ़ ली, बल्कि याद भी कर लिया और उसके बाद कातिबे वही में शामिल हो गया, वो लिखने लगा, किताबत करने लगा, उसको लिखने पढ़ने आता था। अच्छा, चंद दिनों के बाद क्या हुआ, ऐसा आदमी मुर्तद हो गया, दोबारा ईसाइयत में चले गया, दोबारा चले गया। अब आप गौर करें, जिसने नबी के हाथों पर इस्लाम कबूल किया हो अल्लाह ने उसे इस्तकामत नसीब ना फरमाई, ये बहुत बड़ी नेमत है। हम और आप दीन इस्लाम पर हैं, दुआ करें मरते दम तक कलमे पर अल्लाह तबारक व ताला हम सबको मौत नसीब फरमाए। जानते हैं वो दोबारा ईसाइयत में चले गया। अच्छा, जाने के बाद क्या हुआ, आए दिन रोजाना मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगा, बेअदबी करने लगा और लोगों से कहने लगा, जानते हो मैं जो कुछ लिख करके देता था वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुनाते थे। नऊज बिल्ला, हजार बार नऊज बिल्ला, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। लोगों को कहने लगा कि जो कुछ भी मैं लिख करके देता था मोहम्मद अरबी वही लोगों को पढ़ करके सुनाते थे। बहरहाल यह मामला चलता रहा, एक वक्त ऐसा आया अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आदमी को मौत दे दी, मर गया यह आदमी। मरने के बाद क्या हुआ, ईसाइयों ने ले जाकर के इसको ईसाइयों के कब्रस्तान में दफन कर दिया। सुनिए जरा, ईसाइयों के कब्रस्तान में दफन कर दिया। रात में उसकी तदफीन अमल में आई, सुबह लोगों ने देखा उसकी लाश कब्र से बाहर है, सुभान अल्लाह, लाश कब्र से बाहर है। ईसाइयों ने समझा शायद ये मुसलमानों की शरारत है, मुसलमान बदला ले रहे हैं, चूंकि ये मुसलमान हो गया था तो मुसलमान नाराज है, इसलिए मुसलमानों ने इसकी कब्र खोद डाली है। चुनांचे ईसाइयों ने क्या किया, दूसरे दिन और गहरी कब्र खोदी और उसको दोबारा दफन कर दिया। सुबह जब देखा लोगों ने, दूसरे दिन भी सुबह लोगों ने देखा इसकी लाश कब्र से बाहर है, फिर ईसाइयों ने यही समझा शायद मुसलमानों की शरारत है। तीसरे दिन ईसाइयों ने क्या किया, जितनी ताकत उनके पास थी सारी ताकत और कुव्वत लगा करके गहरी कब्र खोदी कि कोई आदमी खोद ना पाए दोबारा, और उसके बाद उसको दफन कर दिया। तीसरे दिन सुबह भी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा इस मलऊन शख्स की लाश कब्र से बाहर पड़ी है।
उसके बाद अल्लाह की कसम है यह आम हो गया कि यह वाकया, यह जो कुछ हो रहा है, जमीन इसको बाहर फेंक दे रही है, जमीन निकल नहीं रही है, बाहर फेंक दे रही है, यह मुसलमानों का वाकया नहीं है, यह मुसलमानों का काम नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से इंतकाम है। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया के वो लोगों जो तौहीन रिसालत जैसा संगीन जुर्म कर रहे हो, अल्लाह की कसम है अगर तुमने तौबा ना किया तुम्हें भी कुत्ते और बिल्लियां नोश खाएंगे इंशाल्लाह। बोलो, अगर तुमने तौबा नहीं किया, इस मजमूम हरकत से बाज नहीं आए, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जैसे तुमसे पहले गुस्ताखों का अंजाम हुआ है। ये एक मिसाल मैंने दी है, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। दूसरी रिवायत और देखते हैं, अल्लामा इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में लिखते हैं, लिखते हैं तातारियों का उन्होंने वाकया बयान किया। और तातारी कौन थे जानते हैं? इनसे इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह अलग बात है बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन इस्लामी हुकूमत, इस्लामी सल्तनत, इस्लामी बादशाहत का इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सुभान अल्लाह। तातारियों में से एक शख्स ने क्या किया, मजहब ईसाइयत को कबूल कर लिया, मजहब ईसाइयत को अपना लिया। नतीजा यह निकला कि अब ईसाई मुबल्लिगीन आने लगे, मजहब ईसाइयत का प्रचार करने लगे। चुनांचे एक मौका ऐसा आया, अल्लामा इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक मौका ऐसा आया कि ईसाई जो मुबल्लिगीन हैं उनमें से कुछ मुबल्लिग आए और आकर के तातारियों के पास बैठ करके बातें करने लगे। दौराने गुफ्तगु उन्होंने क्या किया, एक ईसाई मुबल्लिग ने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी शुरू कर दी, मजाक उड़ाने लगा, आपकी बीवियों का मजाक, आपकी जाते ग्रामी का मजाक, आपकी तालीमात का मजाक उड़ाने लगा। वहीं पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, कुत्ता बंधा हुआ था, वो कुत्ता फड़फड़ाने लगा जैसे रस्सियां तोड़ करके हमला करेगा। वहां पर एक आदमी ने समझाया, कहा देख पैगंबर की शान में बेअदबी मत कर, रसूले गिरामी की तौहीन मत कर, ये कुत्ते को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, चूंकि मैं उसकी तरफ मैंने मुंह करके बात की है तो कुत्ता समझ रहा है कि मैंने उसको डराया है इसलिए भूख रहा है। दोबारा उसने यही काम शुरू कर दिया, रसूल अरबी अलैहिस्सलाम की तौहीन और आपकी शान में बेअदबी और गुस्ताखाना कलिमात कहने लगे। नतीजा यह निकला, अल्लाह की कसम है, वो कुत्ता जो रस्सियों से बंधा हुआ था, रस्सियां उसने तोड़ डाली और तोड़ करके उसने उस मलऊन शख्स पर हमला करके मौत की घाट उतार दी। अल्लाह की कसम है, तारीख में बात आई है, उसी वक्त जानते हैं ना जाने कितने लोग थे। सुभान अल्लाह। जिन जिन लोगों ने यह वाकया सुना, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कई लोगों ने सुभान अल्लाह, बल्कि हजारों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, इन्ना कफ़ईना कल मुस्ताज़ईन, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया वाले चाहे किसी भी ताकत और कुव्वत के साए में रहे, हुकूमत की पुष्पनाही इन्हें हासिल हो जाए, कोई भी बड़ी ताकत के साए में रहे, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी ऐ मेरे हबीब मैं इनसे इंतकाम लेने के लिए अकेला काफी हूं। सुभान अल्लाह। याद रखो, उस शख्स को अल्लाह की कसम है कुत्तों ने नोश खाया, और दुनिया वालों ने जब देखा या इस वाकये को सुना तो हजारों हजारों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इस जिमन में जो बता करके मैं अपनी बात इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा, वो ये है मेरे भाइयों कि आखिरी बात इस जिमन में, चूंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, वो ये है, पैगंबर इस्लाम को जो लोग भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी जाते ग्रामी पर जो भी कीचड़ उछाल रहे हैं, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है सुभान अल्लाह, जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, आप अलैहिस्सलाम की सीरत से नावाकिफ हैं, नावाकिफ है वो, उन्हें नबी की सीरत बताई नहीं गई है, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की सही तालीमात उन तक पहुंची नहीं है, और जो मालूमात उन तक पहुंची है वो गलत पहुंची है। या तो मुझे माफ फरमाए, या तो मुसलमानों को देख करके वो ये अंदाजा लगा रहे कि जब मुसलमान ऐसा होगा तो इसके नबी भी ऐसे होंगे। सुभान अल्लाह। जब मुसलमान ऐसा है तो इसके नबी भी ऐसे होंगे। ऐसे बनो, अल्लाह की कसम है, यह खुतबे जुमा का पैगाम है, ऐसे बनो कि तुम्हें देख करके कहे कि जब मुसलमान इतना शरीफ है, आला अखलाक वाला है, तो इसके नबी कैसे रहे होंगे। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु
मुझे याद पड़ता है बहुत बड़े आलिम दीन ने अल्लामा इमाम इब्ने बास, क्या नाम मैंने लिया, इमाम इब्ने बास रहमतुल्लाह अलैह, सऊदी अरब के मुफ्ती आम, दुआ करें अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी खिदमत कबूल फरमाए, बहुत बड़े मुफ्ती सऊदी अरब के, सुभानअल्लाह। इमाम इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अफ्रीकी शख्स आया, मुलाकात करने की खातिर आया, इमाम इब्ने बाज से मुलाकात की, इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करके जब जाने लगा तो लोगों ने पूछा, कहा कि क्या खूबी की बिना पर आप अफ्रीका से आए, सऊदी अरब आए, इस्लाम कबूल करके जा रहे हो, क्या नजर आया? उसने कहा, मैंने इमाम इब्ने बास से मुलाकात की, इनके अखलाक को देख करके मैं इतना मुतासिर हुआ और मैं कहने पर मजबूर हुआ, जब इब्ने बास इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे सल्लल्लाहु। ये सबसे बड़ी कमजोरी मेरी आपकी है। आज जितने भी लोगों का मामला है जो आज तौहीन रिसालत और गुस्ताखे रिसालत का कारनामा अंजाम दे रहे हैं, उन तक या तो नबी की सही सीरत नहीं पहुंची है या सही तालीमात नहीं पहुंची है मेरे भाइयों। और मैं आपको बताऊं, बात लंबी ना हो, इब्तदाए इस्लाम में देखो, शुरू शुरू में जो लोग इस्लाम के जानी दुश्मन थे, दुश्मन थे प्यारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, जब उन्होंने नबी से मुलाकात की, सामना हुआ, नबी को देखा, जांचा परखा, अल्लाह की कसम है वही जानी दुश्मन वफादार बन गए, जानिसार बन गए, फिदाकार बन गए, नबी पर मर मिटने को अपनी सादत का जरिया समझते थे। यकीन ना है, उमर इब्ने खत्ताब को देखो रजी अल्लाह ने, बोलिए रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर इब्ने खत्ताब कौन थे ये? कत्ल करने के इरादे से निकले थे अपने मकान से, अपने घर से कत्ल करने के इरादे से निकले, लोगों ने भड़का दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्के का माहौल खराब कर दिया है। उमर इब्ने खत्ताब कत्ल करने के इरादे से आए, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जानते हैं, कत्ल करने के इरादे से आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, आपका चेहरे पुरनूर देखा, आपके कमालात देखे, आपकी खूबियां देखी, उमर की तलवार छूट गई, ऐलान किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और एक मिसाल, वैसे मिसालें भरी बड़ी हैं, एक मिसाल मैं आपको दूं, हिंद बिंद उतबा, तेरा नाम याद रखना, इनके नाम से कईयों को बड़ी चिढ़ है, हिंद बिंद उतबा और इनके शौहर थे अबू सुफियान, पूरी जिंदगी हिंद बिंत उतबा ये खातून है और शौहर अबू सुफियान, ये दोनों मियां बीवी मिलकर के पूरी जिंदगी ये इसी पर कायम रहे, इस्लाम को मिटाया जाए, मदीने को मिटाया जाए, पैगंबर को मिटाया जाए, यही इनका मिशन था, यही वजह है जितने गजवात हुए हैं फतेह मक्का से पहले, सारे गजवात में हिंद बिंत उतबा और शौहर अबू सुफियान ने इस्लाम के खिलाफ बड़ा रोल अदा किया। लेकिन यही हिंद बिंद उतबा के बारे में आता है, मक्का फतह हुआ, जब ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, आपका चेहरे पुरनूर देखा, अखलाक देखे, सिफात देखे, कमालात देखे, आदात और अतवार देखे, यही हिंद बिंद उतबा पुकार उठी, कहे उठी, जब पूरी जिंदगी दुश्मन बनकर के रही, एक बार सिर्फ मुसलमानों एक बार तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक बार अपनी जिंदगी में बताऊंगा इंशाल्लाह, बात खत्म कर रहा हूं। जानते हैं क्या हुआ, जब प्यारे हबीब से मुलाकात हुई, हिंद बिन उतबा पुकार उठी, कहे उठी, उसने क्या कहा जानते हो? कहा, अल्लाह की कसम है, अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आज तक मेरी नजर में आपका चेहरा सबसे मबहूस चेहरा था, आपका शहर मदीना सबसे मबहूस शहर था और आपका इस्लाम दीन सबसे बुरा दीन था, लेकिन आज मैं ऐलान करती हूं, मेरी नजर में सबसे प्यारा कोई चेहरा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, सबसे प्यारा कोई दीन है वो दीन इस्लाम है, सबसे प्यारा कोई शहर है वो मक्का मदीना है, सुभान अल्लाह। ये असल मामला है, मेरी आपकी सबसे बड़ी गलती ये है, मैं बारहा कहूंगा जब तक रहूंगा, इस बात का ऐलान मिंबरे रसूल से करूंगा, दुनिया आप कुछ भी समझे, मेरी आपकी सबसे बड़ी गलती ये है, सबसे बड़ा जुर्म ये है मेरे भाइयों, ना हम सही मुसलमान बन सके, ना अपने नबी की सीरत को पहुंचा सके, मुजरिम हो मुजरिम हो, कल कयामत के रोज तुम्हें खड़ा किया जाएगा अल्लाह के दरबार में, और यही 80% गैर मुस्लिमीन जब ये जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह ना करे कोई जहन्नम में ना जाए, आमीन बोलो, कोई जहन्नम में ना जाए, अल्लाह ना करे ये
जहन्नम में जाएंगे, कहेंगे अल्लाह हमें जहन्नम में भेज रहा है, मंजूर है। हमसे पहले मुसलमानों से एक सवाल पूछ रहे, अल्लाह एक सवाल पूछ रहे, ये मुसलमान थे, इस्लाम अमानत, दीन अमानत, कुरान अमानत, शरीयत अमानत, इनके पास सारी चीज़ें थी, इन्होंने हम तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया है, क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने मेरे भाइयों। इसलिए बात मैं अपनी समेट करके ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम और आप अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत को और पाकीज़ा तालीमात को आम करें। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया है, बड़ा अच्छा मौका है, आज दुनिया मुंतज़िर है नबी की सीरत को जानने के लिए, नबी की तालीमात को जानने के लिए। जुमा का मौका है, सवाल नहीं करूँगा, नहीं तो जवाब भी आपसे नहीं ले सकता हूँ, जुमा का मौका है। इतने मुसलमान हमारे दरमियान में हैं, ऊपर माए बहनें भी, ख्वातीन भी हैं, सुन रही हैं। एक सीधा साधा सवाल ये है, वाकई में हम और आप अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम से हमारी मोहब्बत है, लगाव है, वालिहाना लगाव है, जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन सीने पर हाथ रख करके बोलिए, उम्रें 50 साल 60 साल 70 साल तुम्हारी बीत गई हैं, गुजर गई हैं, शाम का दर्स होता है, सुबह का दर्स होता है, सुनने की तौफीक तो है नहीं है, आधा नींद में रहते हो, या एक सवाल कर लेता हूँ, आप इतनी उम्र अजीज को पहुँचने के बाद क्या जिंदगी में एक बार मुकम्मल आपने नबी की सीरत पढ़ी है सल्लल्लाहु, किताबें तुम्हारे घर में है ही नहीं है, है ही नहीं किताब है नबी की सीरत पर, कौन सी किताब है आपके घर में? उलमा के वीडियो मौजूद है, सुभान अल्लाह, सीरत पर मौजूद हैं। दुनिया जहां की खबरें चेक करने वालों, दुनिया जहां की खबरें पढ़ने वालों, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं है कि जिंदगी में एक बार मुकम्मल अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो सल्लल्लाहु, पढ़ो पढ़ो। अल्लाह से भीख मांगता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको एक मर्तबा ज़िंदगी में कम से कम नबी